नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है सिवान के गल्ला बाजार से। यहां पर आयकर विभाग ने छापेमारी की तो तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो गई और दुकानदार जो है वो फरार हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं जो हम आपको सिवान से गल्ला बाजार और तेरहट्टा बाजार की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग की छापेमारी हुई और कुछ गड़बड़िया को लेकर के आप देख सकते हैं जिन जिन लोगों के पास गड़बड़ी थी या फिर इनकम टैक्स वो नहीं भर पाते होंगे और जब उस तरह के जो आयकर अधिकारी हैं जब पहुंचे तो अपनी अपनी दुकानों को बंद करके लोग इधर उधर भागने लगे जो दुकानदार हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर सिवान के गल्ला बाजार तेलहट्टा बाजार से दिखा रहे हैं जो कि सुबह में लगभग यह जानकारी इन लोगों को मिली तकरीबन 12 बजे के आसपास की। इनकम टैक्स के अधिकारी रेड करने वाले हैं, कुछ दुकानें बंद होने लगी और जैसे ही इनकम टैक्स के अधिकारी गल्ला बाजार और तेलहट्टा बाजार में पहुंचे तो तमाम दुकान जो कि होलसेल कुछ ज़्यादातर दुकानें हैं उनकी शटर गिरने लगी और उसके बाद दुकान बंद करके वो लोग फरार हो गए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किसी भी दुकानदार से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई भी दुकानदार कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रहे हैं। कुछ दुकानों के आगे यह देखा गया कि दुकानदार जो है दुकान को बंद करके और आगे खड़े हैं, हालांकि कुछ दुकानदार इस टाइप के भी देखे गए जब कैमरे लगे तो वो भागते हुए भी नजर आए। तो एक बार फिर से बता दें ये बड़ी खबर है जो कि सिवान से निकल कर सामने आ रही है। आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है और उसके बाद से गल्ला मंडी की कई दुकानें बंद हो गई है, तेलहट्टा बाजार की कई दुकानें बंद हो गई हैं। आखिरकार दुकानें क्यों बंद हुई, जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि कुछ इनकम टैक्स में हेराफेरी का मामला हो सकता है और कुछ इस तरीके की भी शिकायतें थी कि तेल के जो भाव है सरसों तेल के उसमें बहुत ज़्यादा कीमतों में उछाल करके और बेचे जा रहे थे और इसकी भी जो खबर है बड़े अधिकारियों के पास पहुंची हुई थी और शायद इसलिए भी छापेमारी की गई थी। तो फिलहाल अभी तक अधिकारियों से भी बात नहीं हो सकी है लेकिन जो कुछ दुकानदार जो हैं कैमरे के सामने तो नहीं ऐसे बता रहे थे कि इनकम टैक्स का छापा है और उसके बाद से कुछ तेल के दामों में कुछ दुकानदार बढ़ा करके बेच रहे हैं जिसके वजह से जो अधिकारी हैं उनको जानकारी मिली है और जब रेड हुआ है तो तमाम दुकानदार जो है खास करके जो होलसेल करने वाले हैं थोक विक्रेता हैं वो अपनी अपनी दुकानों को बंद करके और फरार होने में ही भलाई समझें। देखना होगा कि क्या अधिकारियों की नज़र इन पर कब तक होती है। टेन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।